हाँ जी, तो गाइस क्या हाल चाल है सबके। आपको पता ही है कि गॉट बूस्ट के मोड्स की सारी एक सीरीज़ मैं चला रहा हूँ अपने चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने रिव्यू किया था इको मोड एक्सटेंसिवली, अपने पुराने माइलेज टेस्ट के साथ कंपेयर किया था। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। और इस वाली वीडियो में मैं जो है टेस्ट करने वाला हूँ लर्नर मोड, क्योंकि इसमें एक लर्नर मोड आता है जो कि कहता है आप जो है अपने किसी करीबी बंदे को जो है सिखा सकते हैं गाड़ी लर्नर मोड में डाल के, बिकॉज़ जो थ्रॉटल इंटेंसिटी है वो अंडर कंट्रोल रहती है लर्नर मोड में। तो लर्नर मोड जो है डाल दिया है और अभी ट्राई करते हैं क्या रिस्पॉन्स है। ओके, धीरे धीरे पिकअप कर रही है गाड़ी। भाई ऐसा लग रहा है कि लर्नर मोड जो है और इको मोड जो है तकरीबन तकरीबन भाई ऐसा लग रहा है कि जो लर्नर मोड है और जो इको मोड है तकरीबन तकरीबन सेम ही तरह से ट्यून हो रखे हैं। कुछ ज़्यादा खास जो है फ़र्क नहीं मुझे नज़र आ रहा, बिकॉज़ जितनी थ्रॉटल इंटेंसिटी मेरे को इको मोड में मिल रही थी उतनी ही लर्नर मोड में मिल रही है। तो अभी कुछ मेरे को फ़र्क ऐसा सच इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है जो मैं आपको बता पाऊँ कि लर्नर मोड इस तरीके से डिफरेंट है। बिकॉज़ अगर मैंने ओवरटेक करना हो इको मोड में भी, मैं ओवरटेक करने के लिए जब अपना थ्रॉटल ज़्यादा देता था तो गाड़ी स्पीड जो है पकड़ लेती थी, लेकिन लर्नर मोड में आई बिलीव के जो थ्रॉटल है वो लॉक होना चाहिए, पर वो लॉक नहीं हो रहा है। बिकॉज़ आप देख सकते हैं मैं अभी खाली पैच देख रहा हूँ रोड पे। ओके, अभी मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने पूरा थ्रॉटल दबाया। हाँ, यहाँ पे फर्क पता लग रहा है। तो गाइस जो लर्नर मोड है वो इस तरीके से है कि अगर आप पूरा थ्रॉटल दबा देंगे गलती से, जैसे कोई गाड़ी सीख रहा होता है और वो पूरा थ्रॉटल एकदम गलती से दबा देता है ब्रेक समझ के, तो उस केस में ये जो है मोड काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं पूरा थ्रॉटल देने वाला हूँ। अभी थोड़ा पीछे ट्रैफिक है, देख के देता हूँ आगे वाला ट्रैफिक मेरे थोड़ा क्लियर हो जाए। आप देखेंगे अभी मैं एकदम से थ्रॉटल दूंगा तो कितनी इंटेंसिटी है इस थ्रॉटल की। सेट, ओके, 1 2 3, ये मैंने पूरा दाब दिया और देखिए कितने आराम से गाड़ी उठी। तो इस तरीके से जो है लर्नर को इंटीमेशन हो जाएगी कि मैंने गलती से ब्रेक के बजाय रेस दबा दिया और एक्सेलरेटर से जो है वो अपना पैर हटा लेगा, और अगर वो कोई एक्सीडेंट करने वाला होगा तो वो बच जाएगा और उसको जो सेंसेस हैं वो आ जाएंगी कि मैंने गलत पेडल दबाया है। तो इस तरीके से जो है लर्नर मोड आपका काम करता है। स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लगा था जैसे इको मोड और लर्नर मोड जो है तकरीबन सेम ही है, पर इसमें जो इन्होंने सेटिंग करी है पूरा थ्रॉटल दबाने पे वो बिल्कुल सही सेटिंग करी है, और लर्नर मोड वाकई लर्नर के लिए जो है कामयाब है। आप आराम से किसी अपने करीबी को अगर गाड़ी सिखाना चाहते हैं तो आप सिखा पाएंगे। और देख सकते हैं क्योंकि थ्रॉटल बहुत ही ज़्यादा कम इंटेंसिटी पे सेट हो रखा है, तो आप देख सकते हैं एफिशिएंसी एकदम बढ़िया आ रही है। ऐसे भी मैं हाईवे पे हूँ तो एकदम बढ़िया ही एफिशिएंसी आने वाली है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी इट्स कमेंडेबल इस तरीके से एफिशिएंसी आ रही है लर्नर मोड में। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको लर्नर मोड पता लग गया होगा किस तरीके से काम करता है। फुल पैडल देने पे बिल्कुल धीरे से एक्सेलरेट करती है गाड़ी। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, दिस इज धवनप्रीत सिंह साइनिंग आउट, DR मोटोवर्स।